हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं फेसबुक का जो पेज होता है आप उसे हमेशा के लिए कैसे डिलीट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर चैनल पर नहीं होते यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी फेसबुक एप्लीकेशन में आ जाना। तो मैं यहाँ पर अपनी फेसबुक एप्लीकेशन में आ चुका हूँ। यहाँ पर कुछ लोडिंग ले रहा है। मेरा यहाँ पर जो एप्लीकेशन है फेसबुक वो यहाँ पर कुछ हैंग सा यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है। तो एक बार मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, इसको क्लियर करके वापस अपने फेसबुक एप्लीकेशन को कर लेता हूँ ओपन। जिसे आप फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको तीन लाइन दिखाई देगी, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जिसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे पेजेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी आप पेज डिलीट करना चाहते हो उस पेज को आपको यहाँ पर स्विच कर लेना है, यानी लॉगिन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर पहले से लॉगिन कर रखा है। अगर आपको लॉगिन करना नहीं आता है तो यहाँ पर देख सकते हो आपको एक जो एरो का निशान दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपके जितने भी पेजेज होंगे वो सभी पेजेज यहाँ पर शो हो जाएंगे और बाद में आपको इन पेजेज को लॉगिन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर पहले से पेजेज को लॉगिन कर रखा है। अब मैं इस पेज को डिलीट करना चाहता हूँ वो भी हमेशा के लिए। तो इसके लिए आपको इसकी सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पर देख सकते हो सेटिंग एंड प्राइवेसी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है। सेटिंग पर क्लिक करते ही अब यहाँ पर देख सकते हो आपकी जो पेज की सेटिंग है वो यहाँ पर खुलकर ओपन हो जाए। यहाँ पर आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एक्सेस एंड कंट्रोल। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक नया पॉपअप ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो डिलीशन और डीएक्टिवेशन। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने फिर से दो ऑप्शन आ जाएंगे, डीएक्टिवेट पेज और यहाँ पर डिलीट पेज। तो यहाँ पर आपको डिलीट पेज पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू जैसे ही करोगे तो यहाँ पर आपको रीज़न पूछा जाएगा कि आप अपने फेसबुक को किस वजह से डिलीट करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप कोई भी रीज़न डालकर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपके सामने फिर से काफ़ी तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आपको नीचे आओगे तो आपको एक कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर अपना जो फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड वो यहाँ पर आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ पर अपना फेसबुक पासवर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ। पासवर्ड जैसे ही आप डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर डिलीट और आपका यहाँ पर पेज का नाम शो हो जाएगा और यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देख जो आपका जो पेज है यहाँ पर शो हो जाएगा और नीचे आपको डिलीट पेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो पेज है वो यहाँ पर 30 दिनों के अंदर अंदर डिलीट हो जाएगा। अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर अपना फेसबुक पेज लॉगिन करना चाहते हो तो आप लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया हूँ और यहाँ पर कुछ लोडिंग लेगा आपको। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि आगे इसमें क्या प्रोसेस आता है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा यहाँ पर जो फेसबुक पेज यहाँ पर डिलीट हुआ या नहीं हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मुझे बार लग कर यहाँ पर छोड़ दिया है। तो यहाँ पर मैं चेक करके बता देता हूँ कि मेरा जो पेजेज है वो यहाँ पर डिलीट हुआ या नहीं। तो मैं यहाँ पर पेजेस पर क्लिक करता हूँ। पेजेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो मेरा यहाँ पर जो पेज है वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है। बट यहाँ पर अभी जो पेज है वो यहाँ पर बता रहा है, लेकिन यहाँ पर 30 दिन के बाद हमारा जो पेज है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर पेजेस ऑप्शन से हमारा जो पेज है वो यहाँ पर रिमूव हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर अकाउंट के अंदर हमारा पेज बता रहा है। तो ये आपको यहाँ पर 30 दिन के बाद आपको ये ऑप्शन नहीं बताएगा। तो इस तरह से आप फेसबुक पेज को डिलीट कर सकते हो। मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।